जी न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को पढ़ना का नमस्कार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दुबहर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा उदयपुरा गांव में प्रधान मोहम्मद शामी अंसारी पर कोरोना वायरस पर कोई अच्छी पहल नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गांव के कुछ लोगों ने बताया है कि कोरोना वायरस पर गांव में व्यवस्था नहीं की जा रही, ना ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था कर रहे हैं। यहां राशन बिना स्थिति बहुत खराब हो गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार तक चला गया। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी प्रधान के ऊपर कार्यवाही नहीं की जा रही। क्या नाम है आपका? नसीर। क्या करते हैं आप? हम ईंट के काम करते हैं। कहाँ का रहने वाले हैं? उदयपुरा। क्या आपको राशन मिलता है? 4 किलो, 4 यूनिट। 4 यूनिट का कितना मिलता है राशन? 4 यूनिट के 20 किलो मिला अभी फिलहाल में। कितना पैसा लगता है उसका? अभी पैसा के हम नहीं जानते हैं। 20 किलो का पैसा नहीं, 4 किलो 70। अच्छा, आपकी स्थिति है? स्थिति क्या है? इतना दिन बीत गया, आप लोग स्थिति क्या है? हम लोग भोजन क्या चलता है? आप लोग? हाँ, भोजन चलता है। हम लोग कमाते हैं तो चलता है, नहीं कमाते हैं तो चुपचाप रहते हैं। अभी तो लॉकडाउन में आप लोग कमा नहीं रहे हैं? ना, अभी नहीं कमा रहे हैं। अभी फिलहाल में अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है राशन से। अच्छा है तो बुरा है? राशन आता है तो चलता है। आपकी स्थिति ठीक है कि नहीं है? ठीक, आपकी स्थिति ठीक नहीं है? ना, ठीक नहीं है। इरफान अंसारी। कहाँ करने वाले हैं? उदयपुरा। उदयपुरा जी, लॉकडाउन इतना दिन बीत गया, आपकी स्थिति कैसी है? क्या स्थिति? राशन पता ही सही, स्थिति खराब, सही नहीं हो जाएगा। और कुछ मिलेगा तब सही रहेगा। लॉकडाउन खुलेगा तो आदमी ड्यूटी करेगा। कैसी स्थिति है अभी आपकी? भोजन मिल रहा है नहीं? सब भोजन तो मिल रहा है अभी जी। प्रधान जी के द्वारा क्या पहल की जा रही है यहाँ पर? अच्छा है, पहल की जा रही है? प्रधान के यहाँ पे बस के नहीं है, पहल नहीं करते हैं कुछ? नहीं नहीं, कोई काम अच्छा नहीं करते हैं क्या? नहीं, नहीं, क्या नहीं। दवा छिड़काव किए हैं आपके गांव में? कुछ नहीं है। उनका कहना है, मैं दूर दूर घर घर जाकर सबको समझाया हूँ, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। प्रधान के यहाँ पे कुछ नहीं है, काम नहीं करते हैं? नहीं, आज ले दवाई छिड़काए नहीं है जी, वो सैनिटाइजर को है, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? जोहरा खाते हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? उदयपुरा का जी। क्या आपको राशन मिलता है? हाँ, 4 यूनिट। कितने लोग हैं आप लोग? 11 आदमी। क्यों 4 यूनिट आपको राशन मिलता है? आधार कार्ड देता नहीं जाता, ऊपर कट जाता है, लैकन के चढ़ाता था, लैकन के ना लैकन के चढ़ता था, लैकन के। अच्छा, कितना राशन, कितना केजी मिलता है? 5 किलो मैंने पूरा, मैंने 4 लोगों 20 किलो मिला हुआ। 4 लड़कों का 20 किलो मिला है। कितना पैसा दिए हैं? पैसा नहीं किया जाता, फ्री में मिला हुआ। अच्छा, इसे शासन का देश के मोहनी में दो बार, एक बार पैसा से एक बार बिना पैसे का। 70 रुपया लगे। 20 किलो का 70 रुपया लगता है ना? तो 4 किलो मिला तरला पहले। 20 केजी जो आप राशन उठाती है उसका कितना रुपया देती हैं पहले? पहले 20 किलो मिलने नहीं के साहेब। अच्छा, कितना मिला है? 4.5 किलो 4 किलो मिला कर रहा। अच्छा, तो 70 रुपया लगा रहा। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? बंद होगा धंधा पानी जो करते हैं, तो मजदूर तो बंद कर, घर बैठल रहा सब कोई धंधा पानी। हम लोग मजदूर आदमी है, सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद शमी मंसारी, ग्राम प्रधान उदयपुरा। यहाँ की आबादी कितना है बताइए? 2010 के जनगणना के अनुसार यहाँ के कुल जनसंख्या 2024 है। सामान्य कितना होगा? सामान्य 15% मानकर चलिए। पिछड़ा? पिछड़ा 55। वही 30। आप ग्राम सभा में आबाद, इस आबादी कौन सा और असहाय गरीब कितने लोग हैं? असहाय गरीब हमारे पूरे गांव में अंत्योदय जो कार्ड है, 60 अंत्योदय कार्ड है। बहुत सारे लोग पास कार्ड नहीं होगा, पहचान नहीं होती। 15 से 20 गरीब परिवार है जिसके पास कार्ड अब आज के डेट में नहीं है, तो वो भी उन लोगों के चलते नहीं है, पात्र गृहस्थी वाला। जी जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आपकी ग्राम सभा में विदेशी कितने लोग आए हैं? विदेश से हमारे गांव से में कोई नहीं आया। अन्य राज्य जिले से? अन्य जिले से बहुत पहले आए थे लोग, कोरोना शुरू शुरू में जब ये कोरोना मतलब कि लॉकडाउन शुरू हुआ तभी लोग आए थे। उसके बाद हम डॉक्टर से बुला कर उन लोगों का जांच करवाए। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं,
कि आपके ग्राम सभा की स्थिति कैसे इस महामारी में? फिलहाल कोई दिक्कत नहीं चल रहा है सर। अच्छा सर जी, लॉकडाउन इतना दिन हो गया और इस स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके पास ना राशन होंगे, ना ही राशन कार्ड होंगे, ना कुछ होगा। ऐसा है कि राशन नहीं होंगे तो पिछले महीने जो प्रधानमंत्री जी फ्री में राशन वितरण किए थे और हर महीने जो वितरण हुआ है, दो बार पिछले महीने मिल गया, आज से फिर एक तारीख आज से फिर राशन वितरण का प्रक्रिया शुरू है। राशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके अनुसार अभी ग्राम सभा में कोई दिक्कत नहीं है? कुछ दिक्कत है जो कि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने माध्यम से। जिस तरह सरकार की आदेश था ग्राम प्रधान ग्राम से सब मैंने सब लोग मिलकर बैठक करके ग्राम सभा में घूम घूम कर लॉकडाउन के विषय में लोगों को समझाएंगे घर के अंदर है, कैसा हुआ है? हाँ हाँ, पहले बहुत जागरूकता हम लोग किए हैं, मतलब कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, मास्क का प्रयोग करिए। जी जी, क्या अभी ग्राम सभा मास्क साबुन का वितरण किया गया है? मास्क का तो हम खुद वितरण किए हैं और एक दो लोग सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि साबुन का भी वितरण किए हैं। लोग पाउडर छिड़का हुआ है? हाँ, हम खुद करवाए हैं। हम आपसे भी जानना चाहते हैं इस महामारी में आपके द्वारा क्या संदेश है? अब इस महामारी में जैसे प्रधानमंत्री जी का आदेश है उसका पालन हम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस जब तक लॉकडाउन नहीं शुरू होगा तब तक हम लोग कोई कार्य कर नहीं देंगे। विधानसभा का मुखिया है जी जी, तो क्या आपके अनुसार लॉकडाउन बढ़ना चाहिए 3 मई के बाद? अब ग्राम सभा के मुखिया है तो हमारे ग्राम सभा या चाहे पूरा बलिया जिले में तो ये इस तरह का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन अभी हम अपने माध्यम से कैसे बता सकते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा या ना खुले। आम नागरिक के हैसियत से आप अपना व्यक्तिगत सुझाव दे सकते हैं? व्यक्तिगत सुझाव देने का मतलब ये है कि हम अभी पूरा भारत देश जो कि इस महामारी से गुजर रहा है तो हम उसका समर्थन करते हैं। लॉकडाउन अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जी का जो आदेश होगा उसके अनुसार हम पालन करेंगे। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं बलिया जनपद में कोरोना नहीं पाएगा, किसको श्रेय देंगे आप? इसका श्रेय तो सबसे पहले हम अपने प्रशासन का भी देंगे, दिन रात मेहनत करके सभी लोगों को जागरूकता और घर में रहने का सजेशन दे रहे हैं। जी, आपकी ग्राम सभा कुछ लोगों ने शिकायत पर किया था चैनल में, ये प्रधानमंत्री द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही, स्थिति ठीक नहीं है। तो हर ग्राम सभा में पक्ष विपक्ष होता है, हो सकता है किए होंगे लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप गांव में जाकर पता कर लीजिए जैसा होगा देखिए। जी जी, शासन का आदेश है किसी भी ग्राम सभा में कोई भी भूखे नहीं मरना चाहिए। जी जी, अगर इस तरह की किसी भी ग्राम सभा में घटना घटती है डीएम के साथ साथ प्रधान पे मुकदमा होगा, ये आपको भली भांति मालूम। जी जी जी, साथ ही मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ तीसरे से कोई इस अभी हफ्ता में कहें से कोई हमारे केस नहीं है जो भूखमरी का शिकार हो? ना ना, ऐसा कुछ नहीं हमारे ग्राम सभा में तो नहीं। हम आपसे भी जानना चाहते हैं, उनको ये भी आरोप था जी उनके द्वारा कोई ग्राम सभा में पहल नहीं की जाती है, ठीक है प्रधान द्वारा? ऐसा कुछ नहीं है, तो सुबह शाम डेली अपना घूमते हैं गाँव में। जो दिल्ली में काम घटा उसको आप किस रूप में देखते हैं? जी, दिल्ली में जो काम घटा एक आप मुखिया होने के नाते किस रूप में देखते हैं जो महामारी के विषय में फैली हुई है? अब ये तो संजोगन कहा जाएगा।